जेजुआई को और बोल रही, तो वो उनकी टीम गई होगी अडयाला जेल बानी पीटीआई से इजाज़त लेने के लिए, जो कि इजाज़त कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि उनका तो ये एजेंडा ही नहीं है कि किसी के साथ वो बैठ के बात करें या मसाइल को हल करें। उनका तो शुरू से 2014 से उनका एजेंडा यही है कि मसाइल पैदा करें और हालात को बिगाड़ें और मसाइल को बढ़ाएं हल करने की भी है। सर मौलाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इजाज़त मिलेगी, तो बहरहाल उस वजह से जो है ये डिले। प्लान बी क्या होगा फिर अगर आपको बताया इजाज़त नहीं मिलेगी? नहीं देखें, इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि कमो बेश जो मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब ने फाइनल किया तो हमने उसके ऊपर एग्री किया। कोई छोटी मोटी जो है वो 19-20 के फ़र्क के साथ हमने उसी मुसवदे के ऊपर जो है वो एग्री किया है जो मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब ने फाइनल किया। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमने हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की, तो जब वो नहीं माने तो फिर हम माने। क्या तो अब जो है वो मौलाना की कोशिश है कि वो पीटीआई को भी जो है वो ऑन बोर्ड कर दें। तो बहरहाल उनकी ये कोशिश कोई गलत नहीं है, एक अच्छी कोशिश है, पॉजिटिव है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि तहरीक इंसाफ का या बानी पीटीआई का ये एजेंडा ही नहीं है कि किसी के साथ वो बैठे या किसी के साथ। सराज फारूक सत्तार साहब ने कहा कि अगर आज ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठा तो ये ऊंट खेमा फाड़ के निकलेगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर सभी का कंसेंसस है। और मैं समझता हूँ कि जब हमने मौलाना के साथ उनके एजेंडे के ऊपर एग्री किया है तो मौलाना को तो अब अपने मुसवदे के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर पीटीआई जो है वो उनकी टीम गई हुई है जिस वजह से ये डिले सारा हो रहा है, अगर वो वापस आके कोई नई बात करते हैं और ऑन बोर्ड नहीं होते, जिसकी कोशिश मौलाना फजल रहमान साहब ने की है जो कि एक अच्छी कोशिश है, पॉजिटिव कोशिश है, तो फिर मौलाना को अपने मुसवदे के साथ खड़ा होना चाहिए। हम उनके साथ मुत्तफिक हुए हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो मेरा ख्याल है अगले यानी 2-3 घंटों में या कल तक जो है ये सारा फाइनल हो जाएगा। हुकूमत कह रही है नंबर्स पूरे, कैसे नंबर पूरे? देखिए, नंबर तो पूरे वाली बात जो है ना वो